नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भोपाल वार्ड नंबर 78 के लोकप्रिय पार्षद मोहम्मद रियाज से एक खास मुलाकात कर क्षेत्र के विकास और लोगों की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। यूं तो मोहम्मद रियाज क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मदद करते आ रहे हैं और लोगों के बीच काफी लोकप्रिय भी बने हुए हैं। सादा जीवन व्यतीत करने वाले मोहम्मद रियाज अपना आदर्श पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक आरिफ अकील को मानते हैं और उनके ही नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करते आ रहे हैं। सादा जीवन व्यतीत करने वाले मोहम्मद रियाज द्वारा क्षेत्र की काफी समस्याओं पर चर्चा की गई, जिससे मोहम्मद रियाज द्वारा बताया गया है कि किन्हीं वजह से क्षेत्र में जो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं उनको लेकर उनके द्वारा दृढ़ निश्चय के बाद साथ कोशिश की जा रही है और पूर्ण रूप से उनको सहयोग नहीं मिल पाने के कारण भी कहीं ना कहीं क्षेत्र के कार्य रुके पड़े हुए हैं, जिसका उन्हें बहुत खेद है। और सादा जीवन जीने वाले मोहम्मद रियाज द्वारा काफी मुद्दों पर जानकारी दी गई। भोपाल से केकेआर न्यूज़ के लिए संवाददाता आसिफ खान की रिपोर्ट। नमस्कार आदाब, इनसे मिलिए कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में रियाज मौलाना साहब, वार्ड 78 के ये पार्षद हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सादा जीवन उच्च विचार वाले ये व्यक्ति साधारण तरीके से भी हमारे सामने बैठे हैं और क्षेत्र में कई विकास के काम इन्होंने कराए हैं और कई ऐसे भी मामले बन गए हैं तो नगर सरकार का पूरा सहयोग इन्हें नहीं मिल रहा है। क्षेत्र के अंदर जनता से काफ़ी अच्छा तालमेल है और आने वाले आगामी चुनाव के लिए भी वे अभी से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं और बड़े मंत्रियों में भी इनकी खासी अच्छी पहट है। तो मैं इसमें दो तीन सवाल आज इनसे करूंगा, मैं उनके सामने में खातिर हो गया हूँ। तो सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस पूरे वार्ड 78 के अंदर काफ़ी समय से आप अच्छे विकास के काम कर रहे हैं, हमारी टीम ने गली गली घूमा भी, क्या कुछ ऐसी बातें भी निकल कर सामने आ रही हैं कि नगर सरकार से, स्थानीय विधायकों से आपको आसपास जनप्रतिनिधि से ज़्यादा सहयोग नहीं मिल रहा है, ऐसा सुनने में आया? देखिए, हम तो वैसे ही हाशिए पे हैं क्योंकि हमारी 20 साल से सरकार नहीं है और हमें मालिक ने मौका भी दिया था 15-16 महीने का। तो ये सरकार जो है तानाशाही अब पे चल रही है, जनता की इसको फिक्र नहीं है, जनता को किसी तरह का कोई लाभ नहीं मिल रहा। जैसे तैसे जनता ने हमें चुना और ये आपको बता दें कि मैं बहुत अच्छे वोटों से जीत के आया। मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर मुझे वोट मिले, पार्षदों में सबसे ज़्यादा वोट लेकर आया हूँ। अब उसके बाद 10,000-9,000 वोट लेने के बाद जनता का प्रतिनिधित्व करना और जनता की समस्याओं पर खरा उतरना बड़ी जिम्मेदारी का काम है। मैं आपको बताऊं कि जितनी बार 8-9 महीने के अंदर मैंने कर्मचारियों के साथ पूरे पारिवारिक तरीके से समझाइश दी, उनकी इतनी बड़ी मजबूरी वो बता रहे हैं कि हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। अब कौन शक्तियाँ हैं इस नगर सरकार की और कौन लोग हैं ऐसे जो उस काम को, विकास कार्यों को, अच्छे कामों को रोक रहे हैं। मेरे वार्ड में सबसे बड़ी समस्या नाली की और सफाई की है, जो लगातार मैं जूझ रहा हूँ। मैंने महापौर जी से भी कहा, मंत्री जी से भी कहा और तमाम लोगों से कहा कि भाई आपको भोपाल को नंबर 1 पे लाना है तो इसमें भेदभाव से हटकर काम करना पड़ेगा, इसमें आपको ये छोड़ कर काम करना पड़ेगा कि हमारे विरोधी हैं या हमारे पक्षकार हैं, हमें तो काम करना। अगर नंबर 1 भोपाल को लाना, इस तरीके से भोपाल नंबर 1 नहीं आएगा। मैं जो जानता हूँ, एक बात निकल कर सामने आई है, आपने अभी सुना कि वार्ड 78 के पार्षद रियाज मौलाना ने कितनी बातों को जाकर यहाँ पर किया है। उन्होंने कहा कि भेदभाव को भुला करके सरकारों को काम करना चाहिए। कई समस्याएं हैं वार्ड की जिनको वो निरंतर चिन्हित कर रहे हैं, उसका निराकरण भी करते जा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मध्य प्रदेश के अंदर जब आप रिकॉर्ड आंकड़ों में अगर आप जाएंगे तो भारी मत इन्हें मिले थे। क्षेत्र की जनता इन्हें कितना चाहती है इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है और आलाकमान कांग्रेस पार्टी के भी इस नाम से काफ़ी वाकिफ है। आगामी चुनाव होने वाले हैं मध्य प्रदेश के अंदर और हर सीट काफ़ी अहम हो गई है। कमलनाथ जी की नज़र लगातार अच्छे काम करने वाले पार्षदों, विधायकों और सभी जनप्रतिनिधियों पर है। तो आपने देखा कि रियाज मौलाना जी ने बताया कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। महापौर से वे लगातार कांटेक्ट करते हैं, अधिकारियों से वे कांटेक्ट करते हैं। कई बार ऐसा हुआ, उन्होंने बताया कि जेसीबी मशीन बुलाई काम करने के लिए, 1-1.5 घंटे के बाद कुछ ना कुछ बहाना करके वो मशीनें वापस चली गई हैं। तो समस्याओं का निराकरण करने के लिए जवाबदारी अगर पार्षद की है तो वहाँ पर साथी जनप्रतिनिधि की होती है और विधायक को भी इसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है और सहयोग भी देना पड़ता है, तभी जाके विकास की गंगा बह पाती है। आइए मैं अगला सवाल रियाज मौलाना साहब से करता हूँ। सर, मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव है और उसको देख करके कमलनाथ जी भी काफ़ी एक्टिव हो गए हैं,
तो सर इस नरेला विधानसभा की क्या स्थिति है आपके नजरिए से, इसको कैसा देख रहे हैं और क्या मामला है? देखिए, हम लगभग 30 साल से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और इस बार पार्षद बने हैं, तो हमने जो पूरे क्षेत्रों में घूमे, मैं भी बेरसिया भी गया था, मुझे जिला कांग्रेस ने पर्यवेक्षक बना के दिया था। बहुत अच्छा माहौल है। नरेला के बारे में मैं इतना कहूँगा कि नरेला के अंदर जनता बदलाव चाहती है, और बदलाव भी ऐसा नहीं चाहती कि बदलाव बहुत अच्छे तरीके से चाहती है, क्योंकि विगत 15 सालों से जो भी इस क्षेत्र के अंदर हुआ है वो एक तरीके से भय का वातावरण, डर का वातावरण, लोगों ने या तो हमारे साथ हो जाओ और नहीं तो झूठे मुकदमे फंसाएंगे, ये सब चल रहा है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिन नहीं चलती, क्योंकि देश इस बात को समझ चुका है कि ये भेदभाव की राजनीति अब ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। आपने अभी कर्नाटक में देखा कि कितनी ताकत से प्रधानमंत्री ने बजरंगबली के नारे लगाए, इतने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के लोगों को बरगलाया, गुमराह किया, लेकिन उसी नारों का उल्टा असर हुआ और उसके बाद हमने कर्नाटक में सरकार बनाई। और इंशाल्लाह हम आपसे कह रहे हैं कि आप याद रखना कि हम भी मध्य प्रदेश में 150+ जाएंगे। ये हमें मालूम है, क्योंकि हमारे नेता कमलनाथ जी इस वक्त तो दिग्विजय सिंह जी इतनी मेहनत कर रहा है कि जो जीवन में शायद ही कभी करी होगी, और ये देख रहे हैं जो भरी दुपहरी के अंदर, भरी गर्मी के अंदर हम लोग भी भागा दौड़ी कर रहा है, केवल इसलिए कि जनता को बदलाव की ज़रूरत है और हम इसके अंदर शामिल होंगे। सर, इस बार नरेला विधानसभा के अंदर ये आपका क्षेत्र आता है, तो इस पूरी विधानसभा में चुनाव भी सर पर है, तो कैसे देखते हैं समस्याएं आपकी नज़र में क्या क्या है खास? देखिए, हमारे क्षेत्र में गैस पीड़ित बहुत रहते हैं और गैस पीड़ितों की सबसे बड़ी समस्या इलाज है। और आज भोपाल यूनिवर्सिटी में डॉक्टरों की कमी, सीनियर डॉक्टर सब इस्तीफा दे चुके हैं और भोपाल यूनिवर्सिटी एक तरीके से लोकल हॉस्पिटल की श्रेणी में आ चुका है। और समस्याओं का यह हाल है कि जहाँ बहुत बड़े बड़े नाले हैं हमारे क्षेत्र में, पूरे भोपाल का चारों तरफ का पानी हमारे नरेला से गुजरता है, वहाँ नाले कैसे बने, कैसे सफाई हुई आपके सामने अभी बारिश में उजागर हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये, विकास कार्य अगर कोई करता भी है, कोई जनप्रतिनिधि उस कार्य को करता भी है, तो वो कोई अपने घर से पैसे नहीं ला के लगाता, वो जनता का पैसा होता है, हमारे टैक्स का पैसा होता है, एक एक चीज़ का पैसा हम देते हैं। उसके बाद हम तो जनता के नुमाइंदे इसलिए बनाए जाते हैं, जनता हमें पसंद करती है ताकि सरकार में वो भी बात रखें। ये नहीं कि ये रोड हमने अपने निजी पैसे से बनाया तो हम अपने बड़े बड़े बोर्ड लगा के जनता को गुमराह करें। मैंने ये शुरुआत करी, आपको शायद बताऊँ, हिंदुस्तान में शायद पहला पार्षद या पहला प्रतिनिधि हूँ जिन्होंने, मैंने अपने बोर्ड के ऊपर ये लिखा कि ये जो निर्माण कार्य रोड का किया गया आपके दी हुई टैक्स की राशि से किया गया, मैं पार्षद मोहम्मद रियाज आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। ये मेरा तरीका है काम करने का, कोई भी जनप्रतिनिधि हो कोई घर से नहीं ला के लगाता। सर, सब्जी मंडी में भी काफ़ी दिनों से सफाई की एक समस्या बड़ी अक्सर सामने आ जाती है सर, वो कई पुल नहीं बन पा रहे हैं, उनसे भी क्या फर्क पड़ रहा है? देखिए, भ्रष्टाचार का तो ये आलम है कि आप यहाँ से जाएंगे रेलवे ट्रैक का पुल देखेंगे आप, तो उसकी एक मीटर चौड़ाई मार दी गई है, आप अच्छे से देखना उसको जाके रिकॉर्ड करना है, तो दोनों तरफ 1.5 फीट पुल का जो बाहर है, क्योंकि रेलवे अपना काम करता है, रेलवे एक ऐसी संस्था है जो बिल्कुल पारदर्शिता से काम करती है, लेकिन PWD ने दोनों तरफ, मैंने लोकायुक्त में लगाया है, PWD दोनों तरफ उस रोड को पुल को सकड़ा करा है 1 मीटर, जिससे नुकसान होगा आने वाले टाइम में, डबल क्रॉसिंग में गाड़ी में टकराएंगी। और आप ये चीज़ जाके देखें, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप देखना दोनों तरफ का फायदा, उसको रिकॉर्ड करना। दूसरी चीज़ ये कि समस्याओं का तो अंबार है, आप भेदभाव भी आपको मालूम हो जा रहा है किस तरीके से काम हो रहा है, जिनके काम हो रहा है रोड 5-5 साल नहीं चल पा रहा है, हैरत की बात है। जो हमने हमारी सरकार ने 40-40-30-30 साल तक कार्य ऐसे करके दिए हैं जो आज तक मौके पर मौजूद है, आप देख ही जाके कहाँ रोड चल पा रहा है, रोड टूट रहा है जगह जगह, ये निर्माण घटिया किस्म का हो रहा है, मिली भगत ठेकेदारों से बड़े पैमाने पर घुसखोरी चल रही है, कुल मिलाकर लोग परेशान है, कदर मतलब भ्रष्टाचार है, बता नहीं सकते। सर, मनपसंद लीडर कौन है आपके? मेरे आरिफ अकील साहब, और दिग्विजय सिंह जी, कमल जी। सर, हाल ही में कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया रेल का भारत के अंदर, तो कैसा देख रहे हैं? देखिए ना, आप हिंदुस्तान में पहला ऐसा हादसा है कि जिसकी जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा, एक ट्रैक पे 3 रेलें इकट्ठा 1.5-2 मिनट के दरमियान आके टकरा जाती हैं, और कम से कम अभी तो गवर्नमेंट के आंकड़े आ रहे हैं 300, में समझता हूँ 500-600 मौत होने के आसार हैं, तो कोई काफ़ी लोग जख्मी हैं उसके अंदर, और इस तरीके की लापरवाही, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। आज सुबह अखबार में पढ़ा कि मौतें 228, जिम्मेदारी 0, इस तरीके से सरकार चल रही है जुमलेबाजी।
आपने देखा हमारे सामने वार्ड 78 के पार्षद मोहम्मद रियाज जी थे, इन्होंने काफ़ी अच्छी बातें बताई हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक लुक दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे कैमरामैन से कहूँगा, दो बद्दी चप्पल पैरों में उनके, और उनका बहुत ही मानव सेवा जैसा निराला अंदाज आरिफ अकील साहब की याद दिला देता है। और आरिफ अकील साहब को अपना आदर्श मानने वाले रियाज मोहम्मद रियाज ने बताया कि मैं कैसे संघर्ष कर रहा हूँ जनता के कार्य के लिए, तो मैं उनके जज्बे का आज मैं सलाम करता हूँ। स्टूडियो में भी हमारे बीच पधारे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन सनी के साथ आसिफ खान, केकेआर न्यूज़ भोपाल। फिलहाल खबरों में इतना ही, आगे की तमाम खबर की जानकारी के लिए आप बने रहें केकेआर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।